जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मादक पदार्थों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में मनावर पुलिस ने फिर मुखबिर की सूचना पर लाखों रुपए का गांजा जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए मनावर SDOP धीरज बब्बर ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि मनावर पुलिस को विगत दिवस मुखबिर से सूचना मिली कि खंडराई गाँव से बाइक पर सोहन और मुकेश नामक दो व्यक्ति प्लास्टिक की थैली में गांजा भरकर काबरवा गांव की ओर किसी बाहरी व्यक्ति को गांजा बेचने जाने वाले हैं, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मुखबिर के बताए अनुसार पिपली गांव के पास घेराबंदी कर बाइक सहित सोहन और मुकेश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों के पास से 22 किलो गांजा और बाइक भी जब्त की गई है। पकड़ाए गए गांजे की पुलिस ने कीमत 3,30,000 रुपये बताई है। वहीं पुलिस इस मामले में सघन जांच पड़ताल में भी लगी है, जिसमें पकड़ाए आरोपियों में से एक पर पूर्व के कई गंभीर प्रकरण भी दर्ज है। धार जिले में सामान्य पुलिस अधीक्षक महोदय धार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय धार के द्वारा अवैध मादक पदार्थ की कार्रवाई चलाई जा रही है और इसमें सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया था कि इसमें कार्रवाई की जाना है। इस तारतम्य में थाना मनावर में थाना प्रभारी देश मार्ग चौकी प्रभारी नारायण कटारा, चौकी प्रभारी राहुल चौहान, उप निरीक्षक जितेंद्र बघेल, उप निरीक्षक प्रकाश अलावा, सहायक उप निरीक्षक राजेश आडा, ये इनके द्वारा एक विभिन्न टीमों का गठन किया गया था और टीम लगातार इस संबंध में जो है पतारसी कर रही थी। और इसी तारतम्य में कल पुलिस को एक सूचना मिली कि सोनगांव फाटे पे ग्राम पिपली में एक मोटरसाइकिल प्लेटना आ रही है और उसमें दो व्यक्ति बैठे हैं और इनके पास में जो है अवैध मादक पदार्थ गांजा है। सूचना पर हमारे चौकी प्रभारी नारायण कटारा के द्वारा जो है थाना प्रभारी से मार्गदर्शन लेकर के तत्काल जो है मौके पर घेराबंदी की गई और उसमें दो आदमी हम लोगों के द्वारा पकड़े गए। उनको जब विधिवत हम लोगों ने जो तलाशी और ये सब कार्रवाई की गई तो उनके पास उनके कब्जे से 22 किलो गांजा पुलिस के द्वारा जो है जब्त किया गया और मोटरसाइकिल पुलिस के द्वारा जब्त की गई। ऐसे जो दोनों जो आरोपी है इसमें एक आरोपी सोहन पिता नरगेश ग्राम खंडले का रहने वाला है, दूसरा मुकेश मुंडोई है वो ग्राम जिगदा का रहने वाला है। मुकेश मुंडोई के खिलाफ भी पूर्व में भी जो है लूट और चोरी के अपराध विभिन्न थानों में जो है दर्ज है। कीमत क्या है सर इसमें? इस पूरे गांजे की कीमत लगभग ये अवैध जो बाजार है उसमें 3,00,000 साढ़े 3,00,000 रुपये के आसपास की कीमत है।